जनपद में किसानों को मुआवजा दिलाएं। जिला प्रशासन बीरेश शर्मा। आज भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग 200 किसान अम्बेडकर पार्क रामपुर में एकत्र हुए। जिला अध्यक्ष ने कहा, यदि कोई भी कर्मचारी किसानों को अनदेखा करेगा तो आंदोलन करेंगे। अम्बेडकर पार्क से किसान नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे, सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर को अपना 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। भारी वर्षा होने के कारण देश के प्रभावित जनपदों किसानों को फसल में भारी नुकसान के साथ पशु हानि जनहानि भी हुई है, जिसके कारण अधिकतर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इसकी क्षतिपूर्ति हेतु आंकलन व सर्वे सभी प्रभावित जनपद में कराकर अति शीघ्र किसानों को राहत प्रदान की जाए। जनपद में जल जीवन मिशन हर घर जल पहुंचेगा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं सड़क खोद कर डाल दी है तो कहीं टंकी का मन बना दिया गया है, कहीं तो ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए हैं। ऐसी स्थिति में जांच कराई जाए और कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। गांव में 90% किसान निवास करते हैं। किसानों के लिए सही पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है, इस कारण बीमारी बहुत हो रही है। इस ओर बहुत जल्द ध्यान केंद्रित किया जाए। मंडी समितियों में किसानों से गर्दा के नाम पर वसूली की जा रही है। किसान अपना अनाज मंडी में जब लेकर आता है, मंडी समिति को शुल्क देता है। इस स्थिति में जब किसी बनिए लाला का पैसा कहीं भी फंस जाता है तो किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसान मंडी समिति को शुल्क देता है। मंडी समिति का यह फर्ज बनता है कि उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाए, ऐसा कोई नियम बनाया जाए जिससे किसान सुरक्षित रहे। किसान को उसकी फसल का नगद पैसा दिया जाए और किसानों के साथ घट तोली का कृत्य समितियों द्वारा किया जा रहा है, इस ओर ध्यान केंद्रित किया जाए। आपके आभारी रहेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है अपने जिला अधिकारी महोदय पर, वह इस ओर तुरंत संज्ञान लेंगे। आपके द्वारा किसानों की कौन कौन सी समस्याओं का लेकर ज्ञापन सौंपा गया? मैं बीरेश शर्मा, भारतीय किसान संघ, जिला अध्यक्ष जनपद रामपुर। आज हमारे द्वारा अम्बेडकर पार्क रामपुर में सभी किसानों ने बैठ के बैठक की। लगभग हमारे साथ 200 किसान रहे। मेरठ प्रांत के निर्देशानुसार सभी जनपदों में जो अश्मय बारिश हुई है, बरसात हुई है, उसके कारण किसानों को जो हानि पहुंची है, उस हानि का जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों का जो उचित मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिलाया जाए। इसके संबंध में हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। और भी दो समस्याएं हमारी रही। जनपद में सभी जो मंडी समितियां हैं उनमें किसानों के साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान अपना अनाज लेके आता है, उसे तुरंत पैसा नहीं मिल पा रहा है। आरती अनाज खरीद लेते हैं, उसके बाद में किसान को टालते हैं, आज ले लेना पैसे, कल ले लेना। इस तरह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आरती का पैसा यदि मारा जाता है तो इसकी किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसान स्वतंत्र होना चाहिए। किसान मंडी समिति को शुल्क दे रहा है, ये जिम्मेदारी मंडी समिति की होनी चाहिए। आरती का पैसा मारा जाए, चाहे जो हो, लेकिन किसानों को समय पे पैसा मिले। एक समस्या और है, जल जीवन मिशन के तहत जनपद में, पूरे प्रदेश में हर घर जल पहुंचाओ अभियान के तहत अभी लगभग 50% गांवों में जल पहुंच रहा है। 50% गांव ऐसे हैं जिनमें अभी कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार के कहीं ना कहीं ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन लोगों को जो अधिकारी हैं, इसके कर्मचारी हैं, इनसे, इनके माध्यम हमने ज्ञापन भेजा है 2024 से पहले पहले किसानों के हर घर में पानी पहुंचे। इन सभी मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है।